आइए रुख करते हैं आज की खास खबर की ओर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा है। आखिर इसकी क्या वजह है, समझिए राजनीतिक समीकरण को। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चर्चित नेता कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोकने वाले हैं। मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया कुमार को उनके होम स्टेट की बजाय दिल्ली में उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सुर्खियां काफी तेज हो गई हैं। और आखिर क्या वजह है इसकी, क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र यूपी से भी लगता है। यहाँ बड़ी संख्या में बिहार से आए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इस सीट पर पूर्वांचली वोटरों की संख्या भी निर्णायक है। इसी वजह से बीजेपी ने मनोज तिवारी को लगातार तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 और 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से यहां से जीत दर्ज की थी। मनोज तिवारी एक बड़े पूर्वांचली चेहरे हैं और इसके साथ साथ भोजपुरी स्टार होने की वजह से उनकी लोकप्रियता बिहार के लोगों में अच्छी खासी है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें कैंडिडेट बनाने के बजाय बीजेपी दांव पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कन्हैया कुमार अपने शानदार भाषण की वजह से युवा आबादी के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। बिहार यूपी के मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता मनोज तिवारी से कम नहीं है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उन्हें कैंडिडेट बनाने के बीजेपी दांव पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कन्हैया कुमार अपने शानदार भाषण की वजह से युवा आबादी के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। बिहार यूपी के मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता मनोज तिवारी से कम नहीं है और इसलिए सारे राजनीतिक समीकरणों का गणित बैठाकर कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा है। 2020 के दिल्ली दंगे जो हुए थे उसका संबंध भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है। इस क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और कारगिल नगर जैसे इलाके आते हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। यहां मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है जिसका लाभ कन्हैया कुमार को मिल सकता है। यानी पूर्वांचल वोटों के साथ एक सुरक्षित मुस्लिम वोट भी उनके साथ है। इसलिए कांग्रेस के इस दांव को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।